पाकिस्तान का स्क्वाड ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। आज आई थिंक यहाँ पर मंडे है तो ट्यूसडे या वेंसडे को स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड, जिसने जाके बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ने हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हम एशिया कप में भी बहुत बड़े बड़े झंडे और डंडे गाड़ कर आए हैं। तो स्क्वाड में पाकिस्तान की होने जा रही है 4 से 5 तब्दीलियां, बहुत बड़ी बड़ी। पहले तो कहा जा रहा था कि जो स्क्वाड एशिया कप के लिए है उसी स्क्वाड को वर्ल्ड कप के लिए लेके जाया जाएगा, लेकिन एशिया कप में नाकारकर्दगी के बावजूद उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई वर्ल्ड में चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो यहां पर बाबर आजम और इमामुल हक की बहुत अच्छी मीटिंग चुम्मा चाटी हुई है दोनों की अपना लाहौर के अंदर, वहां पर जो इन लोगों ने स्क्वाड का नाम ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया कि भाई बता ही दिया कि ऑलमोस्ट कौन सा कंफर्म स्क्वाड होगा, इसके बारे में बताते हैं। मगर चैनल सब्सक्राइब करो, ये आप सब्सक्राइब करके एक सवाब कमाते हो अपने, यकीन करो मुझे, क्योंकि मैं दिल से दुआ देता हूं ना, जाहिर सी बात है किसी गरीब का भला करोगे तो सवाब तो होगा। अब यहां पर पाकिस्तान ने जो है स्क्वाड अनाउंस ऑलमोस्ट कर दिया जो कि रेडी हो गया, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए अब्दुल्ला शफीक को ये लोग बाहर कर रहे हैं जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती है, अब्दुल्ला शफीक को साथ में रखना पड़ेगा। फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है और बहुत गंदे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है, इंतहाई गलीज किस्म की बैटिंग कर रहे हैं वो, अजीब आजकल उनको कोई खुमार चढ़ा हुआ यार, बॉल उनसे संभाली नहीं जा रही। चलो कम से कम बंदा थोड़ी बहुत डिफेंड करता है ठीक है, लेकिन फखर जमान को हम जानते किस वजह से, हम पावर हिटिंग की वजह से जानते थे, मगर पता नहीं क्या हो गया इनको कि इनसे बॉल मतलब पता ही नहीं चल रही कि बॉल कहां आ रही है, कहां से जा रही है, कभी बोल्ड हो रहे हैं कभी एज हो रहे हैं। और उसके बाद आप बात कर लीजिए फखर जमान को ये लोग रख रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को हटा रहे, सबसे बड़ी गलती तो इनकी यहां पर आ रही है। दूसरी यहां पर ये शान मसूद को शामिल नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि इमामुल हक और फखर जमान का अल्टरनेट है शान मसूद और यहां पर अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि ये दोनों ही बहुत कैपेबल हैं। और आपको पता है कि आजकल शान मसूद जो है वो T20 क्रिकेट बनाकर खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, तो वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है डेफिनेटली उनकी जगह बनती थी, लेकिन यहां पर इनकी कोई अजीब ही चूतियां पनती है कि भाई इन दोनों को शामिल करना नहीं है। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के साथ बाबर आजम मोहम्मद रिजवान आपको पता है वैसे ही होंगे, सरफराज की जगह ये इन लोगों ने बनानी नहीं है, उनके साथ जाएंगे हमारे सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस जो कि पाकिस्तान का एज एन मिडल ऑर्डर बन के जा रहे हैं, यानी कि ओपनर आएंगे आप कह लो इमाम और फखर, उसके बाद आएंगे बाबर आजम, फिर आएंगे रिजवान, फिर सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस। तो ये होगा पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो कि बिल्कुल ही गलीज मेरे ख्याल से, बस यार बिल्कुल मैं बोलूंगा यार इफ्तिखार के अलावा कौन है, इफ्तिखार और रिजवान के अलावा कौन है मिडिल ऑर्डर में जो कि संभालेगा। सऊद शकील जो है वो टेस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज के लिए हैं काफ़ी, क्योंकि उनको अगर आपने शामिल करना ही था तो आप उनको एशिया कप में शामिल कर ले, एक्सपेरिमेंट कर लेते अपने जितने भी करते, आप ये चूतियापंती जो है या कम से कम बड़े मैचेस के लिए तो नहीं करते ना। उसके बाद यहाँ पर आप बात करते हो पाकिस्तान के बाकी स्क्वाड की, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको ओपनर्स बता दिया, हमने आपको मिडिल ऑर्डर बता दिया। पाकिस्तान उसामा मीर को शामिल करने जा रहे हैं जो कि एक अच्छी, देखो पाकिस्तान को इस टाइम पे चाहिए अपना स्पिनर, सबसे अच्छा स्पिनर जो भी करंट फॉर्म में हो वो पाकिस्तान टीम को बहुत ही मस्ट नीडेड हाथ जोड़ के चाहिए, क्योंकि उसामा मीर इस टाइम पे मेरे ख्याल से बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब का बॉलिंग अच्छी हो रही है लेकिन विकेट नहीं लेके ले पा रहे, नवाज का भी कुछ अजीबोगरीब सा मसला चल रहा है, तो ऑलराउंडर्स में तो पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा खास है नहीं, यही उसामा मीर होंगे, यही मोहम्मद नवाज और यही शादाब खान, ये गिने चुने हमारे पास ऑलराउंडर है जो कि हमने जब इनको डेब्यू करवाया था तो हमने इनको एज एन बॉलर ही डेब्यू करवाया था, सबके सब एज ए बॉलर डेब्यू किए थे, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग करने की वजह से फिर इनको प्रमोशन मिल गई, तो बैटिंग में भी अभी इनको जो है थोड़ा बहुत आप इसको ऑलराउंडर की कैटेगरी में गिनने लगे हो। बॉलर्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो मामला है पाकिस्तान का वो बॉलर्स का ही है, क्योंकि बॉलर्स में पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम अनाउंस किए हैं, मतलब आप कह लो कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि इमाद वसीम की वापसी हो रही है, लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई अपना मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है, जबकि किसी की वापसी नहीं हो रही है। बॉलर आपको यही देखने को मिलेंगे जमान खान, शाहीन शाह, अफरीदी, हारिस, रऊफ और अपने हो सकता है कि किसी एक बॉलर फास्ट बॉलर को और साथ में जो वसीम जूनियर को हटा कर या तो एहसानुल्लाह को शामिल करेंगे, वैसे उनकी इंजरी के कंक्लूजन चल रहे हैं, शाहनवाज धानी भी रेडी हैं, तो पाकिस्तान के पास बॉलर्स जो हैं वो आपको पता है कि यही गिने चुने 8-10 बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर इन्हीं में से जाएंगे, क्योंकि नसीम शाह का अभी तक यही बात निकल के सामने आ रही है कि भाई वो बंदा फिट ही नहीं हो पा रहा है, वो बंदा अपनी इंजरी से उठ ही नहीं पा रहा है, और ये होता है वर्ल्ड क्लोड की वजह से। वो नसीम शाह पिछले 3 महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहा है, चाहे पहले उसने जो है अपना आई थिंक PSL खेली, उसके बाद फिर वो करेबियन चला गया, फिर पाकिस्तान के लिए खेला, फिर श्रीलंका में खेला, फिर LPL खेला, फिर यहाँ पर ये आके खेला, तो यहाँ पर नसीम शाह के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे हैं अपनी जुनून वाली जैसे उनको क्रिकेट चाहिए होती है।
जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको आपको पता ही है कि भाई इन्होंने सिर्फ पैसा कमाना होता है, अपनी फिटनेस वगैरह का तो ध्यान देना नहीं है। अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी बाहर जाकर लीगें खेलेंगे तो ये तो ये रिजल्ट तो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। बाय द वे जो भी हो, उम्मीद यही करते हैं कि यार वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड जल्द से जल्द अनाउंस हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है ये तो ऑलमोस्ट आप कह लो कि क्लियर एंड कट है। यही प्लेइंग 11 की देखने को मिलने वाली जो आपको एशिया कप में देखने को मिली थी, वही प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट आगे जाएगी, क्योंकि फखर जमान को ये लोग निकाल नहीं रहे हैं और भी जरा स्क्वाड में चेंजेस हैं, उसके बारे में हम अगली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। मगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां पर देखने को मिलती रहें।